और पिछले तीन साल बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 2,500 करोड़ रुपए में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती। दिंगलेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिया, 40% नहीं लिया, 30% लिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, हर चीज में कर्नाटक में स्कैम हुआ है। अब देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं, भाषण करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं, आपने पिछले तीन सालों में जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में क्या किया, क्या एक्शन लिया, किसको सजा दी, कितने लोगों को आपने जेल में डाला? आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। आते हैं और बहाने दे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के युवाओं को आप बताइए, आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया? महंगाई की बात करते हैं, गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, अब 1100 रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में आपने क्या किया? पेट्रोल 60 रुपए का होता था, 100 रुपए का हो गया, इसके बारे में आपने क्या किया? बेरोजगारी के बारे में आपने क्या किया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दोगे, कर्नाटक में बेरोजगारी फैली है, आपने इसके बारे में क्या किया? जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? और जब कर्नाटक और दूसरी स्टेट्स के बीच में पानी का मसला उठा तो आपने क्या कर्नाटक की मदद की और कैसे की? तो जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहेंगे। भाषण में कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार मेरे बारे में गलत बोला, बहाने बनाते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। नोटबंदी जैसा काम हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई थी। तो सवाल ये है कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है? पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, सिद्धरमैया जी की, उसके बारे में आपको सब मालूम है। गरीबों की मदद की थी, कमजोरों की मदद की थी, किसानों की मदद की थी। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। 5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। बीजेपी ने आपसे 3 साल पैसा छीना है, लूटा है, हर चीज में गरीबों से पैसा छीना है। इसीलिए हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए हम कर्नाटक की जनता को और किसानों को वापस देने जा रहे हैं। सबसे पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2,000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए मिलेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी ने 1,100 रुपए का सिलेंडर की बनाया, महिलाओं को कष्ट हुआ, महंगाई से महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट पड़ती है, इसीलिए 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मगर हम वहां नहीं रुके। यहां जो महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक और स्कीम होगा जिसका नाम सखी है, और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप, महिलाओं को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में जाने के लिए। तीसरा वायदा अन्नभाग्य स्कीम,
10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, कि कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। चौथा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी वायदा युवा निधि। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उल्टा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। तो युवा निधि स्कीम के माध्यम से हम 3,000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे और 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल के लिए हर महीने। मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, 2.5 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उन वैकेंसीज को हम कर्नाटक के युवाओं के लिए भरेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाएं। किसान कर्नाटक की रीढ़ की हड्डी है, 1.5 लाख करोड़ रुपए हम उनके हित के लिए 5 साल में देंगे। और जो मिल्क दूध की सब्सिडी है उसको हम 5 रुपए से 7 रुपए की बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया हम क्या करने जा रहे हैं, हमने 5 चीजें कही और वो हमारी शुरुआत है। पिछले 3 सालों में बीजेपी ने आपसे चोरी की। प्रधानमंत्री ने आज तक अपने किसी भाषण में कर्नाटक को यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। वोट मांगने से पहले प्रधानमंत्री को पहले पिछले 3 सालों के बारे में समझाना चाहिए, 40% सरकार के बारे में समझाना चाहिए, और उसको समझाने के बाद प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। अंत में यहां पे आप सतीश जी को जिताइए, जमीनी नेता है, दिल से आपके लिए काम करता है और गहरा रिश्ता रखता है जनता के साथ, गरीबों के साथ। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिताइए। और आखिरी बात, बीजेपी को 40 नंबर अच्छा लगता है। पिछले 3 साल इन्होंने आपको 40% हर रोज सुनाया, चुनाव में आप भी इनको 40% याद दिलाना, 40 सीटें जिता देना। इसका एक और कारण है, कांग्रेस को कम से कम 150 सीटों से जिताना है, क्योंकि अगर 150 सीट नहीं आई तो फिर से ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, और जो सरकार चोरी से बनती है वो सरकार चोरी ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। कर्नाटक में घूमते वक्त मुझे लग रहा है कि कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी की यहां पे लहर है और हम 150 सीट से कम नहीं जीतेंगे। सरकार बनने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हम 5 गारंटी आपको पहले दिन करके दिखा देंगे, और फिर ये जो हमारी सरकार बनेगी वो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार होगी, अरबपतियों की भ्रष्ट सरकार नहीं होगी। आप धूप में आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೀ, ಬೋಲೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ ಕೀ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪಿಚ್ಲೆ 3 ಸಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ
चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 2500 करोड़ रुपए